हेलो दोस्तों, एम कैन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी न्यूज़ लेकर के आया हूँ। यानी कि दोस्तों जिन अभ्यर्थियों ने 2018 और 2020 के दरमियान आईटीआई किया था और दोस्तों उनका जो पेपर है वो बेक रह गया था, तो दोस्तों उसका जो रिजल्ट है वो फाइनली जारी हो चुका है। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा कि आप वो जो रिजल्ट है वो किस तरह से निकाल सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो है एनसीवीटी टाइप कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारे सामने ये जो साइट आ चुकी है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, सर्च कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे सामने जो आईटीआई की ऑफिशियल साइट है वो जो है ओपन हो चुकी है। और दोस्तों हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जैसे नीचे जा करके इसका जो रिजल्ट है वो हमें ओपन करना है। तो दोस्तों जो आईटीआई का रिजल्ट है वो निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो दोस्तों इस साइट को हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे जब इसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे हमारे पास में इस तरफ जो है अलर्ट का जो ऑप्शन है वो दिया हुआ आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों ये जो सबसे पहली वाली जो आ रही है AITT, तो दोस्तों हमें क्या करना है, इस पहली वाली जो साइट है इसे ही क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो दोस्तों फाइनली उस साइट को क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इसका जो रिजल्ट का जो ऑफिशियल जो पेज है वो हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो दोस्तों रिजल्ट का ये ऑफिशियल पेज हमारे सामने ओपन होने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर जो रोल नंबर है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उनमें से एक हमें यहाँ पर भर देना है। इसके अलावा दोस्तों हमारा जो एग्जाम सिस्टम है, यानी कि एनुअली एग्जाम है या फिर सेमेस्टर एग्जाम, वो यहाँ पे भरना है। अब दोस्तों इस तरफ जो सेमेस्टर है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि कोई सा भी अगर आपका सेमेस्टर है जिसका आपको रिजल्ट निकालना है, तो आपको यहाँ पे भरना है। फिर बाद में दोस्तों मैं क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो रोल नंबर है वो लगा देता हूँ और जो सेमेस्टर सिस्टम है वो भर देता हूँ, यानी कि पूरी डिटेल भर देता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे रोल नंबर लगा दिए हैं और दोस्तों यहाँ पर जो सेमेस्टर है वो लगा दिया है। तो और दोस्तों इधर जो सेमेस्टर यानी कि जिसका मुझे रिजल्ट निकालना है वो मैंने यहाँ पे भर दिया है। यानी कि दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो रिजल्ट है वो आपका जैसे बेक रहा हुआ जो पेपर है उसी का रिजल्ट जारी किया गया है। और इससे पहले दोस्तों जो रिजल्ट था आईटीआई का वो भी जारी किया जा चुका है, उसे भी आप इसी पेज पर जाकर के जो है निकाल सकते हो। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसे सर्च कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारे सामने जो आईटीआई का रिजल्ट हमने जो ओपन किया था वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का रिजल्ट है, जो दोस्तों ये पास हो चुका है और यहाँ पे जो आईटीआई का नाम है वो दिया हुआ है, जो जिस अभ्यर्थी ने एग्जाम दिया था उसका नाम है और उसके रोल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना जो रिजल्ट है वो जो है ओपन कर सकते हो, निकाल सकते हो। यानी कि दोस्तों आपने जो एग्ज़ाम दिया था, आपका जो पिछली बार जो पेपर है बेक रह गया था, उसका जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसका जो रिजल्ट है फाइनली जारी हो चुका है और इस तरह से आप अपना जो रिजल्ट है वो निकाल सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो वीडियो वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।